नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, विधायक और सांसदों ने भी अंतिम विदाई दी है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। उनके पैतृक गांव नातिया नवागांव में मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष के निधन पर प्रदेश में शोक की लहर है। सीएम भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि व्यक्तिगत क्षति हुई है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक और सांसदों ने मनोज मंडावी को अंतिम विदाई दी। मनोज मंडावी की हार्ट अटैक से निधन हो गया। शनिवार की रात धमतरी के सर्किट हाउस में रुके हुए थे, तो वहीं रविवार की सुबह उनके सीने में अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें धमतरी के अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने मनोज मंडावी को मृत घोषित कर दिया। मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत क्षति हुई है। उसका जन्म हम लोग अभिनंदित थे और विधानसभा में साथ में होते थे, और आज नहीं है। जो सुबह खबर मिली तो विश्वास ही नहीं रहता कि मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि इसे तबीयत खराब होने की सूचना नहीं थी। सात तारीख से ही मेरी मुलाकात हुई थी। बड़े शिव भक्त थे, जो शिव मंदिर में जाके नगरी के पास से वहाँ बना हुआ है, वहाँ घंटों बैठे रहते। ईश्वर उसको अपने चरणों में स्थान दे और दुख सहने की क्षमता उस परिवार को दे। वो बस्तर रीजन के बड़े नेता थे। राजनीति की शुरुआत हम लोग एक साथ किए थे। नर्सरी, राजनीति की नर्सरी क्लास से ही हम लोग दोनों साथ आगे बढ़े थे। एकाएक चले जाने से राजनीति में जो रिक्तता आई है वो भर पाना मुश्किल है। इस दुख के घड़ी में उनके परिजनों को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और मंडावी जी को अपने श्री चरणों में स्थान। एक सुबह जानकारी लगी कि मनोज नहीं रहे, और व्यक्तिगत भी मेरे बहुत ही स्नेहिल संबंध उनके साथ थे। बहुत ही स्पष्टवादी, बोल्ड, निडर, आदिवासी हित में विशेष संवेदना रखने वाले, रुचि रखने वाले और सभी को साथ लेके चलने वाले जनप्रतिनिधियों में वो थे। मुझे दुख है कि एक बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा साथी, हमारे परिवार का एक बहुत अच्छा प्रिय साथी हमारे बीच से आज चला गया है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को यह गहन दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। कबूर मरने से बहुत आहत हूँ। मले हम लोग कांग्रेस पार्टी में थे। जब भी बस्तर का बात, आदिवासी का बात होने से हम लोग एक साथ उठाते थे, किसी को डरते नहीं थे। ऐसा आदमी जाने से बस्तर के लिए बहुत दुखी है। श्रद्धेय मनोज मंडावी जी का हमारे बीच नहीं रहना हम सब की अपूर्ण क्षति है। मैं अपनी ओर से, अपने दिल की ओर से सत सत नमन करता हूँ, सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय श्री मंडावी जी, मनोज मंडावी जी का आकस्मिक निधन हो गया। हम सब स्तब्ध हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को इस कठिन दुख की कठिन घड़ी में दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान कर दे। एक युवा नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे और एक कदावर नेता के रूप में यहां से विदा हुए हैं। न केवल परिवार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। कांकेर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य नेताओं ने मनोज मंडावी से जुड़ी यादों को आम लोगों से साझा किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मनोज मंडावी के साथ बिताए गए पल के बारे में लोगों को बताया। तो हम लोग मुरिया दरबार में कार्यक्रम था
और उसके बाद दीपक के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। दीपक को बोला है कि चलो, उन्होंने कहा यहाँ और कार्यक्रम है तो रुक गए। राजमन साथ में आया था और यही उतरे और यहाँ एक मिलेज के प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन हुआ। सब साथ में थे, भ्रमण भी किया और उन्होंने कहा मंदिर चलना है। मैंने कहा सनसेट हो रहा है मनोज भाई, जब दूसरी बार आऊंगा पक्का आऊंगा। लेकिन किसे पता था कि दूसरी बार आना हुआ नाथिया नाथ गांव तो उसके शोक में आना पड़ा, अंतिम यात्रा में आना पड़ा। मनोज भाई के बारे में सब लोगों ने अपनी संस्मरण सुनाई और मनोज भाई छात्र जीवन से ही राजनीति में उनकी रुचि रही, दो बार छात्र नेता है। और अंत में जब भी हम लोग चर्चा करते थे छात्र जीवन के बारे में, छात्र राजनीति के बारे में जरूर चर्चा करते थे। तीन बार विधायक रहे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मंत्री भी रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, समाज के भी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। क्षेत्र के विकास के बारे में हमेशा वो करते रहते थे और एक बहुत ही सुहृदय और बहुत ही विभाग बोलने वाले, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सपाट बोलने वाले और बहुत ही प्रिय भाई मनोज जी का जमा। मंडवी परिवार के लिए निश्चित रूप से वज्राघात हुआ है, क्षेत्र के लिए हुआ है, समाज के लिए हुआ है, प्रदेश के लिए हुआ है, पार्टी के लिए हुआ है और व्यक्तिगत रूप से हम सबका।